बोलो। मैंने सुना महाराज श्री आप कहीं अंतिम यात्रा की तरफ प्रयाण कर रहे हैं। आप लोग मेरी शरीर की अंतिम यात्रा देख रहे हैं, लेकिन मैं इस संसार की अंतिम यात्रा को देख रहा हूं। जी बहुत अच्छी बात। मेरा उद्देश्य एक ही रह गया है कि अंतिम यात्रा महत्वपूर्ण नहीं, शरीर की अंतिम यात्रा महत्वपूर्ण नहीं, संसार की अंतिम यात्रा महत्वपूर्ण है। वही दृष्टि टिकी है, कुछ नहीं है। इसके कारण दृष्टि संसार की अंतिम यात्रा के कारण ये होने के कारण मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है, न राग न द्वेष न मोह न द्रव्य न क्षेत्र न काल न भाव, शुद्धात्म द्रव्य और शुद्ध परमिष्ट दिख रहे हैं मेरे को। क्योंकि शुद्धात्म द्रव्य और शुद्ध परमिष्ट में समाहित होने के लिए सब बाधक है। अच्छा चल रहा है, आप सब लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, धर्म की प्रभावना में, संघ की वृद्धि में, उन सभी को मेरा वो आशीर्वाद है। साहस नहीं खोए कोई भी, बहुत बड़ा काम किया, कोई स्वीकारे या न स्वीकारे, हम लोगों ने जो किया वो अपने कर्म निर्वाह के लिए किया, किसी को स्वीकारने के लिए नहीं किया है। कभी अंतरंग से कभी दुखी न हो जाए आप लोग, ये बहुत चिंता है। मनी भाई जी कैसे हैं? सारे बुजुर्ग अब आशाएं तो नहीं लग रही हैं, सब उनको फूल तो नहीं गए हैं, ये चिंता लगी रहती है। एक ही बात कहूँगा, कैसा लग रहा है? कर्म रूपी ये कीटाणु, कर्म रूपी ये अग्नि, कर्म रूपी यह अग्नि मेरे आत्मा के प्रदेशों को पकाना चाहते हैं, लेकिन मैं इसे अध्यात्म रूपी ज्ञान, ध्यान रूपी साधना रूपी ध्यानाग्नि से मैं उन कर्मों को पका रहा हूँ, ऐसा अनुभव करता हूँ। लोग उगते को नमस्कार करो बोलते हैं, डूबते को देख करके कोई रोता है, कोई हंसता है, ये संसार है। लेकिन डूबते को महत्व को समझने वाला मृत्यु महोत्सव मनाता है। मैं डूबते का महत्व समझ रहा हूं। मैं तो यही कहूंगा, आज जब एक सूरज एक स्थान पर उदय को अस्त को प्राप्त होता है तो उस तरफ कोई नहीं देखता, लेकिन लोग भूल जाते हैं
एक जगह एक सूरज अस्त को प्राप्त हो रहा है तो दूसरी जगह वही सूरज को दूसरे लोग उदयमान के रूप में देख रहे हैं। मुझे वो दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है। मेरा मोक्ष मार्ग अब उदयमान हो गया है। मोक्ष में पहुंचने तक अस्तमान अस्त होने वाला नहीं है। इसमें आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैं इतने दृढ़ता से परिपक्व बन चुका हूँ। ये कुछ दिनों का है, ये अब वर्षों का भी नहीं है ना, इसलिए दृढ़ता है, धैर्य है, धर्म है, तो चिंता नहीं। लोग सोचते हैं एक दिन में अनेक वो काम करने वाले, एक दिन के अनेकों का कल्याण करने वाले, एक दिन में हजारों नया इतिहास रचाने वाले, जीवन में परिवर्तन करने वाले। अब कागज की कटिंग पर लेटा है, उनका भ्रम है। मैं कागज की कटिंग पर लेटा नहीं हूँ, यहाँ के कामों को विराम दिया हूँ, क्योंकि ये शरीर काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ के कारों को विराम दिया हूँ, लेकिन आगे की तैयारी को विराम नहीं दिया हूँ। मेरी आगे की तैयारी चल रही है। मैं देख रहा हूँ जन्म से लेकर के पहले कदम से इस अंतिम कदम तक मैंने जो साथी से पुण्य कमाया है, जो तप किया है, जो त्याग किया है, जो साधना किया है, जो धर्म दिया किया है, जो दया किया है, सबको गरीबों को गले लगाकर भगवान बनाने का प्रयास किया है, श्रवण परंपरा में जो बना हुआ योगदान दिया, जो किया अद्भुत किया, कोई स्वार्थ के लिए, राग के लिए, द्वेष के लिए, ख्याति के लिए, पूजा के लिए नहीं किया। खुशी है आज लाखों करोड़ों लोग अहिंसक बने, एक कौवे का मांस छोड़ने वाला भगवान बनता, एक मछली का पहली मछली छोड़ने वालों का कल्याण होता। मैंने जो किया ये सब आगम को सामने रखकर किया, कभी पीछे नहीं हटा, ना आलोचना को देखा, ना निंदा को देखा, ना असमर्थन को देखा, ना सहायता को देखा, ना अस्वस्थता को देखा। जिनका पुण्य था उन्होंने सहयोग देकर पुण्य कमाया, मैं तो कर लिया धर्म के लिए जो चाहिए था और अपने लिए भविष्य के लिए, और जितना सबके लिए करना था बिना प्रमाद के सब कुछ किया हूँ। कहीं भी रुका नहीं हूँ, पीछे मुड़ के देखा नहीं, लेकिन मैंने इन कामों को रोक दिया हूँ शरीर के इस अक्षमता के कारण। लेकिन इसी वजह से इन योजनाओं को रोक दिया हूँ, लेकिन आगे की योजनाएं जारी है, आगे के काम जारी है। अब पंचम काल में आया था, पुण्यहीन था, फिर भी इतना सब कुछ कर लिया। अब जो सबसे पुण्य कमा करके जो पहुंच रहा हूँ,
मैं पुण्य में उस पुण्य के उदय में गाफिल न हो जाऊं, इसलिए सावधान हूं। उस वैभव में आत्मवैभव वितरक तक वैभव में भूल न जाऊं, इसके लिए मैं सावधान हूं। आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता मालूम नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि अलग है। मैं उसके उस पुण्य का उपयोग कैसे जन जन का कल्याण करे, कैसे जन जन के तक जन शासन पहुंचे, कैसे कर्म निर्दय करे, कैसे कल्याण करूं, कैसे जन शासन की प्रभावना में योगदान दूं, अहिंसा श्रमणत्व को श्रमण परंपरा को कैसे आगे बढ़ाऊं, सबको आगे बढ़ाते हुए सबको धर्मात्मा बनाते हुए दुख से मुक्ति दिलाते हुए सबको सिद्ध बनाते हुए कैसे सिद्ध बनूं, इसकी योजना बना रहा हूं, इसकी तैयारी कर रहा हूं, उसकी तैयारी कर रहा हूं। मेरी इच्छा शारीरिक शक्ति समाप्त हो गई, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति कम नहीं होगी, ना हुई है। नमस्तेभ्यः नमस्तेभ्यः नमस्तेभ्यः।